गुड इवनिंग मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ईश्वर से कामना करता हूँ अच्छे ही अच्छे होते चले जाएं। चलिए, अगले महीने मुझे निश्चित डेट पता नहीं है, लेकिन SSC CGL टायर 2 की एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी लोग कर रहे होंगे। उसकी डेट जो है निश्चित हो चुकी है या होने वाली होगी मुझे जानकारी नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन है मैंने पार्ट वन में 7-8 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे आपको, ठीक है। मैं इसमें 16-17 क्वेश्चन आपको फिर से नए क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसको सॉल्व कीजिए और इसके आंसर और सलूशन में अगर कन्फ्यूजन है तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। मेरा नंबर है 8299216021। इस पर मैसेज करें। इसमें एक ग्रुप है इंस्टेंट मैथ सलूशन, उसमें मैं ऐड कर दूँगा और आपको इन क्वेश्चन का सलूशन प्रोवाइड करा दूँगा, एक्सप्लेनेशन आंसर जो भी आपको चाहिए होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, केवल इसमें मैं सलूशन आपको प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ। क्वेश्चन ये है आपका, बढ़िया क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट का है। एक्स तथा वाई एक्स के साथ दो रेखाओं इतने और इतने से घिरे त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। दूसरा देखिए, यदि पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, गलत लिखा हुआ, धनात्मक सामान्य, ये हिंदी ट्रांसलेशन गलत ही है। इफ़ द स्क्वायर ऑफ द सेवेंथ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड एंड सेवनटीन्थ टर्म, देन द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टर्म टू द कॉमन डिफरेंस इज। तो कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के सातवें पद का वर्ग, ठीक है, विद पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस, तो जो सार्व अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है दो पदों का, सातवें पद का स्क्वायर, ठीक है, और जो सार्व अंतर होता है वो इनका जो टोटल है वो द प्रोडक्ट, इनका जो गुणनफल है वो प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड एंड सेवनटीन्थ, तीसरे और सत्रहवें पद के गुणनफल के बराबर है, तब द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टर्म टू द कॉमन डिफरेंस, तो पहले पद और सार्व अंतर का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट रुके। हाँ, तो यदि किसी समांतर श्रेणी के सातवें पद का स्क्वायर जो है, पहले ट्रांसलेशन थोड़ा सा गलत हो गया था, किसी समांतर श्रेणी के सातवें पद का स्क्वायर जो है वो बराबर है तीसरे पद और सत्रहवें पद के गुणनफल के, उसी श्रेणी के, ठीक है। तो आपको बताना है पहले पद और सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस का रेशियो, ये बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना है यदि उनके घन के अंतर और उनके अंतर के घन का अनुपात इतना है, तो दो संख्याओं का योग बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये प्रश्न है आपका टाइम एंड वर्क का, सॉल्व कीजिए, सलूशन मुझसे प्राप्त कीजिए। यह भी बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, नीचे दिए गए ABCD एक आयत में जो है आपको समबाहु त्रिभुज BCE और CDF जो है इनका टोटल बताना है, दोनों मतलब एंगल्स जो है इनमें जो दो एंगल दिए हुए हैं AEB और BFC इनका टोटल बताना है, ठीक है। और इसमें जो है आपको बताना है कि n का मान क्या है जिससे कि ये संख्याएं एक होल स्क्वायर हो जाएं, पूर्ण वर्ग हो जाएं। इसमें आपको देखिए, इस पे पहले सवाल आता था कि इस तरह दो रेखा खंड जो है दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को काटते हैं वृत्त में, तो उनके खंड जो है उनके प्रोडक्ट आपस में बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल भी पूछा है, तो एक अच्छा सवाल है नए टाइप का, आप लगाइए, नहीं सॉल्व होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आयत के डायगोनल के दो लास्ट पॉइंट हैं, दो जो है ये अंतिम बिंदु हैं, ठीक है। तो आपको जो दूसरा वाला डायगोनल है उसका इक्वेशन दिया है, ठीक है, तो सी का मान बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साल पहले ए की आयु का अनुपात बी से 4:3 था, उनकी आयु का अनुपात अब से 3 वर्ष बाद इतना होगा, तो अब से 9 वर्ष बाद ए और बी की आयु का रिलेशन रेशियो क्या होगा, ये बताना है। फिगर दिया है, ठीक है, इसमें जो है ये तीनों एंगल 90 डिग्री हैं और ए बी और सी डी का रेशियो 3:1 है, सी डी और पी क्यू का रेशियो बताना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, मेंस में आना ही आना तय है,
समीकरण इतने के मूल a और b है, समीकरण इतने के मूल a प्लस वन और b प्लस वन है, तो p प्लस q का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया प्रश्न है। डिस्क की त्रिज्याएं दी हैं, तो स्ट्रिंग मतलब डोरी की कुल लंबाई बताना है। दो संकेंद्रिक खडभुज, दो खडभुज की प्रत्येक पक्ष पैरेलल है। ठीक है, तो आंतरिक इंटरनल रेगुलर खडभुज के जो प्रत्येक पक्ष हैं, ये जो पक्ष मतलब साइड जो प्रत्येक भुजा है, पक्ष गलत लिखा हुआ है, सेंटीमीटर है, तो शेडेड क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें फिगर की मिसिंग लग रही है मुझे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि इसमें फिगर होगा। तो इसमें दो खडभुज बनेंगे, ठीक है, दो खडभुज बनेंगे, एक छोटा बनेगा और एक सेम वैसा ही समरूप कह सकते हैं, सिमिलर बड़ा बनेगा, तो उन दोनों के बीच की जो छायांकित क्षेत्र होगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए छोड़ दीजिएगा, मैं जब एक्सप्लेन करूँगा तो इसका सलूशन प्रोवाइड करा दूँगा, मतलब फिगर प्रोवाइड करा दूँगा। फिर नेक्स्ट में एक नियमित बहुभुज में भुजाओं की संख्या इसके विकर्णों की संख्या से टी टाइम्स है, टी गुना है, तो टी के संदर्भ में इन द रिफरेंस ऑफ टी इस बहुभुज का इंटरनल एंगल बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है बढ़िया। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हैं, आप सॉल्व कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट पीपीटी में आंसर और सलूशन प्रोवाइड करा दूंगा आपकी डिमांड पर। आप मुझसे बने रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।